नमस्कार दोस्तों, एलवी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में लेसन टू के जो न्यूमेरिकल बाकी हैं उनको हल करवाऊंगा। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2.16, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया कि दर्शाइए कि आवेशित पृष्ठ के एक पार्श्व से दूसरे पार्श्व पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र के अभिलंब घटक में असांतत्य होता है, जिसे E2-E1.n̂ बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो, ये आपको ज्ञात करना है, द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां एन कैप एक बिंदु पर पृष्ठ के अभिलंब एकांक सदिश है तथा सिग्मा उस बिंदु पर पृष्ठावेश घनत्व है, और ब्रैकेट में दिया गया फिर एन कैप की दिशा पार्श्व 1 से पार्श्व 2 की ओर है। अतः दर्शाइए कि चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र सिग्मा एन कैप बटे एप्सिलॉन 0 है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपको ये सिद्ध करना है और फिर ये भी सिद्ध करना है कि लिखा गया है कि दर्शाइए कि चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो सिग्मा एन कैप बटे एप्सिलॉन 0 है। तो यहाँ पर ये एक आवेशित चादर ली गई है, इसमें दो पार्श्व फलक हैं, ये पहला है और ये वाला दूसरा पार्श्व फलक है। एक तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 दिखाई जा रही और दूसरी तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। सबसे पहले आवेशित सीधी चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E = σ/2ε₀। ये आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया भी था आवेश चादर के कारण। इसके बाद यदि एन कैप किसी बिंदु पर पृष्ठ या चादर से लंबवत इकाई सदिश है, यानी कि जो एन कैप दिया गया है वो किसी चादर या फिर पृष्ठ से लंबवत इकाई सदिश है और जिसकी दिशा चादर के पृष्ठ 1 से 2 की तरफ है, तब पृष्ठ 2 पर वैद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पर हम लोग पहले पृष्ठ 2 पर वैद्युत क्षेत्र लिखेंगे, तो पृष्ठ 2 पर वैद्युत क्षेत्र लिख देते हैं सदिश E2 बराबर, फिर ये हो जाएगा σ/2ε₀। तो अब ध्यान दीजिए, इसको सदिश रूप में लिखा गया है, तो सदिश रूप में जब लिखते हैं तो इसमें एक एकांक सदिश लग जाता है एन कैप, इतना हो जाएगा। इसके बाद पृष्ठ 1 पर वैद्युत क्षेत्र, तो पृष्ठ 1 पर जब वैद्युत क्षेत्र लिखेंगे तो फिर ये हो जाएगा सदिश E1 बराबर σ/ε₀ और एन कैप, और इसकी दिशा जो है वो विपरीत है, तो विपरीत होने के कारण यहाँ पर माइनस लग जाएगा, यहाँ भी 2 लिखना है आपको, यानी कि σ/2ε₀ और दिशा विपरीत होने के कारण, यानी कि एक की दिशा बाईं तरफ दी गई है यहाँ पर चित्र में और दूसरे की दिशा दाईं तरफ, तो इसलिए दिशा विपरीत होने के कारण इसमें माइनस लग जाएगा। अब इसके बाद जो हम लोगों को ज्ञात करना था, यानी कि जो क्वेश्चन में दिया गया था उसमें LHS में दिया गया था E2 - E1 और फिर ब्रैकेट के बाहर दिया गया था एन कैप, तो यहाँ पर जब हम लोग मान रखेंगे इसमें, तो पहले दिया गया E2 - E1, तो E2 का मान दिया गया है σ/2ε₀, इतना हो जाएगा। इसके बाद एन कैप यहाँ पहले से ही दिया है तो ये हो जाएगा, फिर इसके बाद माइनस, अब दूसरा पद जब रखेंगे यहाँ पर तो ये फिर माइनस में दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा σ/2ε₀, फिर इसको जब हल करेंगे तो हल करने पर ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि 2σ/2ε₀ आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा σ/2ε₀। और यही हम लोगों को ज्ञात करना था कि E2 - E1 × n̂ बराबर σ/2ε₀, तो इतना आ गया। इसके बाद E2 तथा E1 विपरीत दिशा में है, ये आपको भी चित्र में दिखाया गया है कि E2 और E1 जो दोनों की दिशाएं हैं वो विपरीत हैं, तो दोनों की दिशाएं जो है विपरीत हैं, इसलिए आवेशित चादर पर वैद्युत क्षेत्र असतता या क्रम भंग होती है। इसके बाद चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो शून्य होता है, तो वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इसका मतलब फिर E1 का मान जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि चालक के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य होता है।
तो फिर चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र जो है वो शून्य हो गया, तो फिर चालक के ठीक बाहर जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसका मान लिखेंगे फिर E से, यानी कि E बराबर हो जाएगा E2, यानी कि दूसरे फलक पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो E बराबर E2, यानी कि E1 का मान तो जीरो हो गया, तो फिर E यानी कि जो बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E2 बराबर लिख सकते हैं फिर सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो एन कैप। यही आपको क्वेश्चन में ज्ञात करना था, उसमें कहा गया था कि चालक की ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा एन कैप बटे एप्सिलॉन जीरो है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है कि दर्शाइए कि आवेशित पृष्ठ के एक पार्श्व से दूसरे पार्श्व पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र का स्पर्शीय घटक सतत है, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो पहले लिखेंगे कि किसी बंद फेरे पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, तो जब किया गया कार्य जो है वो शून्य होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं रेखीय इंटीग्रेशन सदिश ई डॉट डी एल बराबर जीरो, यानी कि जो किया गया कार्य है वो प्रत्येक फेरे द्वारा बंद किसी बंद फेरे द्वारा उसका मान क्या होता है जीरो होता है, तो इसको इस प्रकार लिख देंगे। इसके बाद फिर माना आवेशित पृष्ठ की एक भुजा पर वैद्युत क्षेत्र E1 तथा दूसरी तरफ की भुजा पर वैद्युत क्षेत्र E2 है, तो जब वैद्युत क्षेत्र की दूसरी तरफ वैद्युत क्षेत्र जो होगा E2 हो जाएगा, तो फिर लिखेंगे इसको सरफेस इंटीग्रेशन यानी कि रेखीय समाकलन सदिश ई डॉट डी एल बराबर लिख सकते हैं इसको हम लोग E1 डी एल माइनस E2 डी एल, ये सदिश है और इस मान होगा वो जीरो हो जाएगा। इसके बाद आपको एक सूत्र बताया गया होगा, सूत्र होता है ए डॉट बी, सदिश ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, ये सदिश में बताया गया था आपको सूत्र। तो ये सूत्र यहाँ पर प्रयोग करना, यहाँ पर आपको पहला पद ए मान लेना और दूसरा पद बी मान लेना, तो यहाँ पर ए डॉट बी का सूत्र लगाना। तो जब हम लोग E1 डॉट डी एल लिखेंगे तो फिर ये बनेगा E1 डी एल कॉस थीटा वन, इन दोनों के बीच का जो कोण है वो मान लेते हैं थीटा वन। इसके बाद फिर माइनस दूसरा हो जाएगा E2 डी एल और कॉस थीटा टू और बराबर हो जाएगा जीरो। इसके बाद फिर ये हो जाएगा E1 डी एल कॉस थीटा वन बराबर, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो फिर ये हो जाएगा E2 डी एल कॉस थीटा टू, इतना हो जाएगा। इसके बाद फिर ये हो जाएगा E1 डी एल, यार कोण जो है इन दोनों के बीच का जीरो हो तो ये फिर हो जाएगा कॉस जीरो डिग्री। इसके बाद बराबर दूसरा हो जाएगा फिर E2 डी एल और कॉस जीरो डिग्री, इसका मान भी जीरो हो जाएगा, तो फिर ये आएगा E1 बराबर E2, यहाँ पे डी एल से डी एल कैंसिल हो जाएगा, कॉस जीरो से कॉस जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यही आपको सिद्ध करना था कि आवेशित पृष्ठ के एक पार्श्व से दूसरे पार्श्व पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र का स्पर्शीय घटक सतत होता है, यानी कि समान होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.17 दिया गया कि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा वाला एक लंबा आवेशित बेलन एक खोखले समाक्षी चालक बेलन द्वारा घिरा है, दोनों बेलनों के बीच के स्थान में वैद्युत क्षेत्र कितना है, यानी कि दोनों बेलनों के बीच में वैद्युत क्षेत्र आपको ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले मान लेना आपको कि लंबाई कैपिटल L और त्रिज्या स्मॉल r के एक लंबे आवेशित बेलन का आवेश घनत्व समान लंबाई के एक खोखले चालक बेलन द्वारा घिरा हुआ है, यानी कि एक बेलन जो दिया गया है जिसकी लंबाई कैपिटल L और त्रिज्या स्मॉल r है, तो वो उसी समान लंबाई के एक खोखले चालक बेलन द्वारा घिरा हुआ है, और जिस बेलन द्वारा घिरा हुआ है उसकी त्रिज्या जो है वो कैपिटल R है, तो माना दोनों बेलनों के बीच के स्थान में वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E है, तो गॉसी पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स का प्रवाह गॉस प्रमेय के अनुसार होता है, अतः इसका सूत्र हो जाएगा फिर फाई बराबर ई, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 पाई इंटू डी
और फिर कैपिटल एल, जहां पर डी जो है बेलन के उभयनिष्ठ अक्ष से एक बिंदु की दूरी हो जाएगी। इसके बाद माना बेलन का कुल आवेश क्यू है, तो फिर फाई बराबर हो जाएगा ई 2πDL बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन जीरो। ये आपको गॉस प्रमेय में बताया गया था कि फाई बराबर जो होता है वो क्यू बट्टे एप्सिलॉन जीरो होता है, और यहाँ मान लिया गया है कि बेलन का कुल आवेश जो है वो क्यू है। इसके बाद फाई का मान आपको बताया गया कि ई बराबर 2πD इंटू कैपिटल एल, तो यहाँ पर फाई का मान यानी कि ई बराबर 2πDL का मान जो होगा वो क्यू बट्टे एप्सिलॉन जीरो के बराबर हो जाएगा। इसके बाद एक सूत्र होता है लैम्डा बराबर क्यू बट्टे कैपिटल एल। यहाँ पर लेमडा जो होता है रेखीय आवेश घनत्व होता है। अगर यहाँ से हम लोग आवेश ज्ञात करें यानी कि क्यू का मान, तो फिर एल इधर गुड़े में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू बराबर लेमडा एल। तो इसको लिखेंगे हम लोग ई 2πD कैपिटल एल बराबर, यहाँ पर क्यू का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा एल और बट्टे में हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ पर कैपिटल एल से कैपिटल एल कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये आएगा E बराबर लेमडा बट्टे, ये इधर बट्टे में आएगा, तो फिर 2πD एप्सिलॉन जीरो। तो यहां पर E का मान आ गया, E को ही बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसलिए दोनों बेलनों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो हो जाएगा फिर लेमडा बट्टे 2πD एप्सिलॉन जीरो, यही इसका मान हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.18, तो इसमें तीन क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले लिखा है एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा प्रोटॉन है, और इनके बीच की जो दूरी दी गई है वो दी गई है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो -1.6×10⁻¹⁹ कूलाम होता है, और प्रोटॉन पर +1.6×10⁻¹⁹ कूलाम होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और उनके बीच की दूरी दी गई है। तो इसमें पहला ज्ञात करना है कि निकाय की स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिकलन कीजिए, यानी कि जो निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है वो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है, जबकि प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन के मध्य की अनंत दूरी पर स्थितिज ऊर्जा को शून्य माना गया है। तो दूरी दी गई है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की 0.53 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में बदलेंगे तो यह हो जाएगा 0.53×10⁻¹⁰ मीटर, तो ये एंगस्ट्रॉम में बदल जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखेंगे Q1 बराबर -1.6×10⁻¹⁹ कूलाम। इसके बाद प्रोटॉन पर आवेश Q2 बराबर +1.6×10⁻¹⁹ कूलाम, ये प्रोटॉन पर आवेश ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों को ज्ञात करना है स्थितिज ऊर्जा यानी कि U का मान जो है वो ज्ञात करना है पहले। तो स्थितिज ऊर्जा जब ज्ञात करेंगे तो इसका सूत्र होता है U बराबर 1/4πε₀ Q1 Q2 और बट्टे में होता है R, इतना हो जाएगा। जब इसमें मान रखेंगे तो 1/4πε₀ का मान हो जाएगा 9×10⁹9, Q1 का मान हो जाएगा -1.6×10⁻¹⁹, इसके बाद Q2 का मान हो जाएगा +1.6×10⁻¹⁹, और फिर बट्टे में R का मान रखेंगे 0.53×10⁻¹⁰, इतना हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा फिर 9 यहाँ पे पहले 1.6 माइनस में, फिर इंटू +1.6×10⁻¹⁰, ध्यान दीजिए ये -19 मिलके हो जाएगा -38, और -38 से जब प्लस का 9 निकाल देंगे तो +9 निकालने पर इसका मान आ जाएगा -29, और ये -10 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा फिर +10, और यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा 0.53, इतना हो जाएगा। और इसको जब हम लोग हल करेंगे तो हल करने पर इसका मान आएगा 43.47×10⁻¹⁹ जूल। तो ये मान अभी जूल में आया है और इसको बदलना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए इसमें 1.6×10⁻¹⁹ से भाग करेंगे, तो फिर ये आएगा 43.47 गुड़े
10 की घात माइनस 19 और इसको भाग करेंगे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 से, तो ये बदल जाएगा फिर इलेक्ट्रॉन उल्ट में। और यहाँ पर 10 की घात माइनस 19 से 10 की घात माइनस 19 कैंसिल हो जाएगा और जब इसको भाग करेंगे तो फिर इसका मान आएगा -27.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। और अभी इसमें यह भी दिया गया था कि जबकि प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन के मध्य की अनंत दूरी पर स्थितिज ऊर्जा को शून्य माना गया है, तो अनंत पर स्थितिज ऊर्जा जब शून्य लेंगे तो फिर पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, जिसको भी हमने ऊपर कैपिटल यू से लिखा था उसको पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा पी और इंटू ई से भी लिखते हैं पी इंटू ई से, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा फिर, अभी मान जो निकाला गया था वो आया था -27.17 और जीरो अनंत पर ले रहे हैं इसलिए -0, तो जब इससे जीरो घटा देंगे तो भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो फिर यह आ जाएगा -27.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अनंत पर शून्य लेने पर भी इसका मान -27.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा। इसके बाद इसी का बी नंबर दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र करने में कितना न्यूनतम कार्य करना पड़ेगा यदि यह दिया गया है कि इसकी कक्षा में गतिज ऊर्जा ए यानी कि जो क्वेश्चन ए में दिया गया था में प्राप्त स्थितिज ऊर्जा के परिमाण की आधी है, यानी कि जो दिया गया है कि इसमें इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र करने पर कितना न्यूनतम कार्य करना पड़ेगा यदि यह दिया गया है कि इसकी कक्षा में गतिज ऊर्जा यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की कक्षा है उसमें गतिज ऊर्जा जो है जो पहले क्वेश्चन में दिया गया था इस प्राप्त स्थितिज ऊर्जा है उसके परिमाण की आधी है। तो इसमें दिया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो गतिज ऊर्जा है वो पहले क्वेश्चन में जो स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हुई है उसकी आधी है, तो फिर इसको लिखेंगे आप 1/2 गुणे पोटेंशियल एनर्जी का मान जो निकाला गया था वहां पे निकाला गया था 27.2, यानी कि वहां पर जो हम लोगों ने मान निकाला था वो आया था -27.17, अगर इसको शुद्ध करके लिखेंगे हम लोग तो ये बन जाएगा फिर -27, ये 5 से बड़ा अंक दिया है तो जब 5 से बड़ा होता है तो इसके पहले वाले में एक जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा फिर 27.2। यहाँ पर हम लोगों ने उसका चिन्ह नहीं लिया है, केवल ऊर्जा का मान यानी कि उसका परिमाण लिया गया है, तो जब इसको भाग करेंगे तो भाग करने पर इसका मान आएगा फिर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फिर इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, तो जो हम लोगों ने ऊर्जा निकाला था वो आया था -27.2 और फिर अभी जो ऊर्जा ज्ञात की गई क्वेश्चन में दिए गए अनुसार तो फिर वहां पर आया 13.6, तो जब ये हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो फिर इसका मान आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हो जाएगी। तो फिर इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने हेतु आवश्यक कार्य यानी कि जो आवश्यक कार्य होगा वही ज्ञात करना था आपको, तो आवश्यक कार्य हो जाएगा फिर जीरो, मुक्त कराना है तो जीरो माइनस जितनी ऊर्जा आई है उससे घटाना है तो -13.6, तो जब जीरो के बाद हम लोग इसको घटाएंगे माइनस को तो फिर ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और इसका मान आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मुक्त कराने में इलेक्ट्रॉन को इतना कार्य करना पड़ेगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर सी दिया गया कि यदि स्थितिज ऊर्जा को 1.06 एंगस्ट्रॉम पृथक्करण पर शून्य ले लिया जाए तो उपर्युक्त क्वेश्चन नंबर ए और बी के उत्तर क्या होंगे। तो की बार दिया गया कि 1.06 एंगस्ट्रॉम, इसको हम लोग बदलेंगे तो यह हो जाएगा 1.06 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर की पृथकता पर स्थितिज ऊर्जा, तो जो हम लोगों ने यू पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था आपकी और उसको मान लेते हैं यू डैश, तो इसमें जब मान रखेंगे तो ये फिर ध्यान दीजिएगा 9 गुणे 10 की घात 9, ये क्वेश्चन नंबर अभी जो इसी का ए पार्ट हल किया गया उसी की तरह हल करना है। इसके बाद पहला आवेश इसमें जो दिया गया था वो था -1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, फिर इसके बाद दूसरा था +1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19
और फिर बटे जहां पर हम लोगों ने वो दूरी प्रयोग की थी उसकी जगह पे अब की बार ये दूरी रखनी है आपको 1.06 × 10^-10। इतना हो जाएगा। और जब इसको हल करेंगे तो हल करने पर इसका मान अब की बार आएगा −21.74 × 10^-19 जूल। इतना हो जाएगा। इसको फिर जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो फिर ये हो जाएगा −21.74 × 10^-19 और बटे में हो जाएगा 1.06 × 10^-19। तो याद रखना आप लोग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.06 × 10^-19 से भाग करते हैं और जब इस संख्या से इसको भाग करेंगे तो भाग करने पर इसका मान अब की बार आएगा −13.585 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना हो जाएगा। और अगर इसको हम लोग शुद्ध करके लिखेंगे तो फिर ये हो जाएगा −13, ध्यान दीजिए ये 5 से बड़ा है अगला अंक यानी कि 8 दिया गया, तो फिर ये हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें जहां पर मान −27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था उसकी जगह पे ऊर्जा का मान आधा आ गया यानी कि −13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि बढ़ गया है यहाँ पे मान। वहां पर −27.6 था, यहाँ पर −13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, तो अब की बार जो ऊर्जा का मान है वो बढ़ गया है। तो आप लोग याद रखना यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस में जो संख्या छोटी दी होती है उसको बड़ा मानते हैं और बड़ी संख्या माइनस में छोटी हो जाती है, तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। और फिर उसके बाद −13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को स्थितिज ऊर्जा का शून्य मानने पर, अगर उसको शून्य मान लेंगे तो उस समय जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी, उसमें पहले वाले में जो मान आया था वो था −27.2, इसे जब घटाएंगे हम लोग अब की बार आया है −13.6, तो इसमें जब घटाएंगे तो फिर घटाने पर इसका मान आ जाएगा −13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस होगा, इसके बाद −27 से जब +13.6 घटाएंगे तो फिर इसका मान आएगा −13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.19 दिया गया, यदि हाइड्रोजन अणु के दो में से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए तो हमें हाइड्रोजन आणविक आयन H2+ प्राप्त होगा और H2+ की निम्नतम अवस्था में दो प्रोटॉन के बीच की दूरी लगभग 1.5 एंगस्ट्रॉम और इलेक्ट्रॉन प्रत्येक प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, स्थितिज ऊर्जा की शून्य स्थिति के चयन का उल्लेख कीजिए। तो इसको यहाँ पर एक चित्र में दिखा दिया गया, उसमें दिया गया था कि दोनों प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो प्लस आवेश होता है, तो दो प्रोटॉन प्लस ए लिख दिए गए और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो माइनस ए होता है, तो दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी दी गई है 1.5 एंगस्ट्रॉम और फिर जो इलेक्ट्रॉन दिया गया है दोनों प्रोटॉनों से उसकी दूरी 1 एंगस्ट्रॉम दी गई है। और यहाँ पर हम लोगों को स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का मान ज्ञात करना है, तो सूत्र होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर 1/4πε₀Q₁Q₂R, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोगों को इसको हल करना है, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ये दो आवेशों के बीच लागू होता है और यहाँ पर जो आवेश दिए गए हैं 3, तो आपको दो दो करके हल करना, जैसे आपने पहला ये आवेश लिया तो दूसरा ये, तो एक बार इन दो आवेशों के बीच, फिर एक बार इन दोनों आवेशों के बीच और फिर एक बार इन दोनों आवेशों के बीच, तो मैं ये तीनों का प्रयोग एक साथ किए दे रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बराबर, ये चीज सूत्र में तीनों बार आएगी तो इसको सीधे आप कॉमन ले लेंगे, 1/4πε₀, इतना कॉमन हो जाएगा। इसके बाद पहले जब हम लोग दोनों प्रोटॉनों के बीच लगाएंगे तो पहले Q₁ Q₂ यानी कि E × E और बट्टे में फिर दूरी, तो दूरी में 1.5 एंगस्ट्रॉम में दिया है, इसको मीटर में बदलना, तो मीटर बदलने के लिए 10^-10 से गुणा। फिर इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब जैसे ये दो आवेश ले रहे हैं तो इसमें एक प्लस है और दूसरा माइनस, तो प्लस माइनस मिलकर यहाँ पर हो जाएगा −E × E बट्टे इसके बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम, 1 × 10^-10 मीटर हो जाएगा। फिर जब दूसरा हल करेंगे तो इसमें भी एक माइनस और दूसरा प्लस, तो ये हो जाएगा −E × E
और बटे में हो जाएगा एक गुड़े दस की घात माइनस दस, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद जब इसमें मान रखेंगे तो इसका मान होता है नौ गुड़े दस की घात नौ, इतना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर e इंटू ई सब में दिया गया, तो e इंटू ई आपको कॉमन लेना है। तो यहाँ पर e इंटू ई और बटे में 10 की घात माइनस 10, इतना कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा 1 बटे 1.5 माइनस 1 माइनस 1, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा फिर 9 गुड़े 10 की घात, ये माइनस 10 है, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 10 और 9 मिल के हो जाएगा 19। इसके बाद e का मान होता है 1.6 गुड़े 10 की घात माइनस 19, फिर गुड़े 1.6 गुड़े 10 की घात माइनस 19, इतना हो जाएगा। इसको लिखेंगे आप 1/1.5 और फिर माइनस 1 और माइनस 1 मिल के हो जाएगा माइनस 2। इसके बाद जब इसको आप हल करेंगे तो हल करने पर इसका मान आएगा फिर -19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही इसका आंसर होगा। इसके बाद इसमें क्वेश्चन में दिया गया था कि स्थितिज ऊर्जा की शून्य स्थिति के चयन का उल्लेख कीजिए, तो आप बता सकते हैं कि फिर शून्य स्थितिज ऊर्जा अनंत पर ली गई है, क्योंकि यहाँ पर जो ऊर्जा का मान है वो आया है -19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए शून्य स्थितिज ऊर्जा जो है वो अनंत पर ली गई है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2.20 दिया गया है कि ए और बी त्रिज्याओं वाले दो आवेश चालक गोले एक तार द्वारा एक दूसरे से जोड़े गए हैं, दोनों गोलों के पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्रों में क्या अनुपात है, प्राप्त परिणाम को यह समझाने में प्रयुक्त कीजिए कि किसी एक चालक के तीक्ष्ण और नुकीले शिरों पर आवेश घनत्व चपटे भागों की अपेक्षा अधिक क्यों होता है। तो पहले तो दोनों गोलों के पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्रों में क्या अनुपात है ये ज्ञात करना है आपको। तो ए और बी त्रिज्याओं के दो आवेशित गोले जो हैं वो एक दूसरे से तार से जोड़े जाने पर जो है समान विभव पर हो जाएंगे, यानी कि जब दोनों गोलों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाएगा तो दोनों पर जो विभव होगा वो समान हो जाएगा। तो एक सूत्र होता है ई बराबर डी वी बटे डी आर, तो इस सूत्र का अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो इस सूत्र के प्रयोग से आपको विभव निकालना है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग यहाँ पर डी V और डी आर के जगह पे V मान के चलें तो यहाँ पर विभव जब निकालेंगे तो V बराबर हो जाएगा E इंटू आर। इस सूत्र का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर विभव में परिवर्तन और दूरी में परिवर्तन दिया गया, यहाँ पर हम लोगों ने परिवर्तन नहीं लिया, सीधे लिख दिया गया E बराबर V बटे आर। तो इस सूत्र के प्रयोग से आया V बराबर E इंटू आर। तो फिर यहाँ पर जब क्वेश्चन में इसका प्रयोग करेंगे तो फिर ये बन जाएगा V बराबर E1, पहले गोले पर तीव्रता मान लेते हैं E1, तो फिर ये हो जाएगा V बराबर E1 और त्रिज्या पहले गोले की जो दी गई है वो दी गई है A, तो इतना मान लेना। तो ये फिर आ जाएगा V बराबर E1 A, और जो दूसरा गोला है उसके लिए जब निकालेंगे तो फिर वो हो जाएगा E2 और त्रिज्या हो जाएगी B, दोनों पर विभव जो है वो समान है, तो जब विभव यानी कि LHS दोनों का बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, तो फिर इसको लिख सकते हैं E1 A बराबर हो जाएगा E2 B। तो जब हम लोग E2 इधर लाएंगे तो ये बनेगा फिर E1 बटे E2 बराबर A इधर बटे में आ जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा B बटे A, ये इतना हो जाएगा। तो फिर नुकीली सतह पर आवेश घनत्व तो स्पष्टतया अधिक होगा, क्योंकि चौड़ी सतह की समानता अधिक त्रिज्या के गोली सतह से और नुकीली सतह की समानता कम त्रिज्या के गोली सतह से किया जा सकता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।